श्री श्री 108 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का हुआ समापन। नमस्कार, रेप्टी लाइव में आपके साथ मैं हसिमरन कौर। श्री हनुमत कृपा ग्रुप सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में रामपुर सिरसिया में 9 दिवसीय विशाल महायज्ञ का समापन मंगलवार को पूर्णाहुति के बाद संपन्न हुआ। इस विशाल महायज्ञ में अयोध्या से आए कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन किया गया एवं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री वीरेंद्र तिवारी द्वारा रामकथा का प्रासंगिक वर्णन किया गया। यज्ञ के समापन के उपरांत यज्ञ में उपस्थित श्रद्धालुओं तथा आसपास के गाँव से आए सभी लोगों ने यज्ञ भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बताते चले कि यज्ञ में मुख्य आयोजक व्यास दुबे और डॉक्टर संजय कुमार सिंह रहे। यज्ञ का आयोजन विगत 14 वर्षों से निरंतर होता चला रहा है। बहुत सारे श्रोताओं के बीच में जो हम लोग प्रकाश करते हैं, अपना डालते हैं, तो जब से बहुत सारी समस्याएं जो हल होती है। यज्ञ एक पूजा माना जाता है और 35 करोड़ देवताओं का आवाहन जहाँ होता है वहाँ किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होता है। पहले तो किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं होता है। दूसरी बात ये कि जो श्रोता आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, उनको उपदेश में यही बताया जाता है। अध्याय जी, इस रामलीला और यहाँ के जो यज्ञ के आयोजक के मुख्य आप अभिभावक माने जाते हैं और इसके साथ ही हम लोगों को भी कई जगहों से सुना जाता है कि लगभग इस क्षेत्र में जो यज्ञ का आयोजन होता है वो आपके माध्यम से होता है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअल में हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम लोग सनातन कुल में पैदा हुए हैं। अपने धर्म की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी के अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। नारायण ने हमें इंसान बना के भेजा, सिर्फ पेट जिलाने के लिए नहीं। कुछ धार्मिक कार्य, धार्मिक आयोजन, सामाजिक कार्य किया जाए, ट्रस्ट का यही उद्देश्य है। क्या इस ट्रस्ट के माध्यम से और भी कार्यक्रम किए जाते हैं? जी हाँ, ये ट्रस्ट अभी तो फिलहाल 21 यज्ञ संकल्पित है हनुमानगढ़ी से, तो अभी उसको सुचारू रूप से संचालित कर दिया जाए। फिर गरीब बच्चियों की शादी और असहाय निर्धन लोगों का चिकित्सा सुविधा, या गरीब बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं, मेघावी छात्र हैं, उनकी व्यवस्थाएँ अगर अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, वो कहीं से ट्रस्ट के संपर्क में आ रहे हैं, हमें जानकारी हो रही है, तो मैं वहाँ पहुँच के उनकी मदद करूँगा, उनके शिक्षा दीक्षा और जैसे भी है उनको भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। रामपुर सिरसिया में जो यज्ञ का आयोजन विगत कई सालों से चल रहा है, क्या यह निरंतर चलता रहेगा? अब तो प्रयास तो यही हमारा, आगे नारायण की जैसी इच्छा होगी, अब इसमें क्या कहा जाए। धन्यवाद। आप लोग कमेटी के आयोजक मंडल के विशेष सदस्य हैं, आप लोग इस यज्ञ को क्या ऐसी आपके मन में भावना आई कि आप लोग इसको प्रारंभ कराएं? यह जो यज्ञ की भावना है हमारे पूर्वज के द्वारा पिछले 13 वर्षों से जो है लगातार यहाँ होती आई है, तो उसी के अनुरूप हम लोग 14वां साल भी यहाँ पे हम लोग यज्ञ और रामलीला और जो भी चिकित्सक सुविधा चाहे जो भी सुविधा है यहाँ हम लोग करते आए हैं। और यहाँ पे हमारी जो सिरसिया रामपुर जो कमेटी है या पकवाना जो कमेटी है और जो श्री हनुमत कृपा ग्रुप सेवा ट्रस्ट द्वारा जो अयोध्या के द्वारा जो आयोजन किया गया है, ये सबके मिलजुल के हमारे पूरे कमेटी, हमारे पूरे समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी और पूरे नगर पालिका के सहयोग से हम लोग 14वां साल या जो है जग को आज आखिरी दिन आखिरी सेवा के रूप में हम लोग ले गए हैं। अभी हमारे यहाँ जो भंडारा स्टार्ट है, हमारे यहाँ भंडारा 10 बजे रात तक चलता रहेगा और हमारे यहाँ 200,000 लोगों की खाने पीने की व्यवस्था है और यह लगातार एक हफ्ते से यह जो है कमेटी निरंतर यहाँ सेवा दे रही है और अभी तक कोई कठिनाई, कोई दुखिया या किसी प्रकार की कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई है। भगवान की कृपा से, जालमान जी की कृपा से और लक्ष्मी माता के कृपा से हम लोग की जग बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सफल है और हमारे जो रामलीला मंडल के जो कलाकार हैं, हमारे लीला बाबा हैं या हमारे जो प्रवचन के जो मुखाकार हैं श्री वीरेंद्र तिवारी जी, इन लोगों का आशीर्वाद और सहयोग बहुत सारा हम लोग का कमेटी के ऊपर है। पूरे कमेटी और यहाँ के समस्त रामपुर सिरसिया के तरफ से मैं इन लोगों को चरण स्पर्श करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग। यूएफटी लाइव के लिए संवाददाता रितेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।